तो नमस्कार, पी के मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं मैं। तो वही आज जो है ना, 100 का टारगेट जो है पुराएंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि 80 क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था, वही फ्री में मटेरियल बना के मैं आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोगों को 80 क्वेश्चन तक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए थे, तो आज 100 पुराना है। और आप लोगों को भी अगर एग्ज़ाम में जाना है तो 100 से प्लस मार्कशीटेड में लाना है। तो समय बर्बाद न करते सीधा चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं, तो लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर रहा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएंगे ना आप लोगों को समक्ष जो भी प्रस्तुत करूँगा, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। अगर पहुँचने के बाद जो है ना, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो का आनंद ले सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए, इस तरह है। विष्णु वंश के पंचवरों में शंबा किसके पुत्र थे? दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। विष्णु वंश के पंचवीरों में शंब किसके पुत्र थे? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखा देख लीजिए, विष्णु वंश के पंचवरों में शंबा जंबवंती के उत्पन्न पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवत विधि शब्द का तात्पर्य है। सातवत विधि का तत्व का सातवत जो है आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भागवत अनुष्ठान। जी हाँ, भागवत अनुष्ठान जो इसका जो है आंसर हो जाएगा। सातवत विधि मुख्य रूप से भागवत धर्म सत्वत विधि मुख्य रूप से भागवत धर्म का अनुष्ठान है। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशों में उल्लिखित के किया जनपद का कौन सा एक दार्शनिक राजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अश्वपति जी। उपनिवेशों में कुछ ज्ञानी राजाओं को ब्राह्मण शिष्यों के आदेश देते हुए दर्शाया गया है, जैसे ककिया के राजा अश्वपति तथा विद्रोह के राजा जनक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दलक अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिवेशद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छंदो योग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अरुणी श्वेत केतु का विवाद छंद योग उपनिवेशद में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में उसर भूमि का व्यंजक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिल्व। वैदिक ग्रंथ में आसार भूमि बंजर भूमि को खिल्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित युधु एवं तू वर्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, दो जन। आर्य अनेक जनों से विभक्त थे, इसमें से 5 जन प्रसिद्ध हैं, अनु यदु द्रुहणु तर्वस प्रु, इन्हें पजनन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एक और दो और तीन। देख लीजिए, जंगलों के व्यापक रूप से जलाया जाता था कौन सा काल में? वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो है ना जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाता था, सही है। ऋतुओं का ज्ञान से ये भी सही है। इसके बाद गाय का मुद्रा के रूप में उपयोग, ये बात भी सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर सिंचाई ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये यानी एक दो तीन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लें, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराण। चारों वेद त्रिग्वेद, आयुर्वेद, समावेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद आदि वैदिक साहित्य में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? उत्तर वैदिक काल जो था तो उस समय जो है भूमि, यानी भूमि मतलब भूमि तो जानते होंगे ना, भूमि उत्तर वैदिक काल में भूमि यानी खेती का यानी धरती का जो है ना स्वामी कौन होता था, भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण कबीले जो है ना ये होता था। तो वैदिक काल में भूमि के स्वामी संपूर्ण कबीले होते थे। कबीले का सरदार राजा होता था, वह भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह केवल युद्धकालीन स्वामी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से किससे यज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृहदारण्यक उपनिवेशद में एक जगह वाद विवाद के दौरान यज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो वरना तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति की अवधारणा पहली बार कब अभियुक्त हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपनिवेशद श्वेताश्वर में। तो अब इसका व्याख्या सुन लीजिए। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म में भागवत संप्रदाय के रूप में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन शुरू किया था। चलिए नर्मदा का पहला दूसरा नाम क्या था? तो रेवा, ठीक है, रेवा नाम था और रेवा से प्रचलित था। तो नर्मदा यानी रेवा नदी के उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। रेवा नर्मदा और सदानीर गंडक नदियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति से। अब देखिए शुल्ब सूत्र सूत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें से ज्यामिति आधार व वैदिक ज्ञान वेदिकाओं के निर्माण का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से जो है ना इसका संबंध है। यजुर्वेद संहिता में अज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्र का संग्रह किया गया। यजुर्वेद के दो भाग कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद है। मैत्रेय संहिता का संबंध ही आयुर्वेद से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले उस वीडियो का आनंद आप लोग उठा सके और फ्री में जो है ना मटेरियल प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय से सप्तक मंडलों का। ऋग्वेद के द्वितीय के सप्तम मंडलों को वंश मंडल कहा जाता था। यह मंडल एक ऋषि व उनके परिवार के लोग द्वारा संकलित थे, इसीलिए इसे वंश मंडल कहा जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी दांत का उत्कीर्ण, हाथी दांत का उत्कीर्ण से। तो वैदिक काल में बढ़ईगिरी, बुनाई, चमड़े का काम तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता था। यह काम शिल्प कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद हाथी दांत का उत्कीर्ण का उस काल में प्रचलन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग में बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्वसु। यदु और तुर्वसु दोनों वैदिक कालीन प्रधान जन थे। भारत जन इन सभी के सबसे प्राचीन था। वैदिक काल में यदु का अधिकतर युग तुर्वसु के साथ बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसके विश्वामित्र कुल के सूक्तों का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडल तीसरा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूक्तों का ग्रहण है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह गायत्री मंत्र सवित्र देवी के समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, वैदिक कालीन मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम का। ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसका उपयोग ज्ञान के अवसर पर पेय पदार्थ के रूप में किया जाता था। सोम नामक पेय पदार्थ मिर्जवंत पर्वत पर ही नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? के बाद है सीमांसा दर्शन के पुरोहित। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुमारिल। और सीमांसा दर्शन के पुरोहित कुमारशील ने वैदिक परंपरा का समर्थन किया। इस संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गृहस्था जीवन में यज्ञ कर्मकांड द्वारा मोक्ष को पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। तो आज का देखिए 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? देखिए निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूषण का। ऋग्वेदिक काल में इंद्र, वरुण और अग्नि आदि प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता की स्तुति की गई। पूषण पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरे खींचते थे। इनका रथ जो है बकरा खींचता था। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो के देखने के बाद अगर कुछ सीख मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है, तो आप लोगों को भी फर्ज बनता है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं तो उस पर बस एक लाइक चाहिए और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों कि कैसा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर त्रुटि है, किसी भी तरह का त्रुटि है, तो आप लोग जो है इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दर्शाइएगा कि आपका वीडियो में ये चीज़ कमी है और ये चीज़ सही है।
तो मैं उस पर जो है ज़रूर विचार करेंगे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। पीके मौज मस्ती चैनल के सदस्य के दे दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे। ओके बाय।